हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रकाश जी, एकता आपसे कुछ, हमारे दर्शक जो है आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको कहना है, आप कह सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन है, माय नेम इज आनंद किशोजा, आई एम फ्रॉम बिहार। ये आपका क्वेश्चन है कि माय नेम इज? नो सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन कि आपने बहुत सारी फिल्म बनाई बहुत सारे मुद्दों पे, जी, जैसे राजनीति हुआ, आरक्षण हुआ, लेकिन आजकल हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या उस पर कभी आप फिल्म बनाना चाहेंगे? मेरा तो एक ये सोचना रहा हमेशा कि जब हम आजाद हुए तो दो चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, एक था प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा था पॉपुलेशन कंट्रोल। जी, अगर हम इन दो चीजों पर ध्यान दे करके 10-20 सालों तक इसी पे काम करते रहते तो हमारे सारे सुविधाएं जो हैं वो कितने अच्छे तरह सबको उपलब्ध होती। वो तो है। और आपका विचार बहुत अच्छा है और मैं सोचता हूं कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हालांकि एक्चुअली हर जब हम भीड़ भाड़ देखते हैं शहरों में, हमें ये समस्या लगती है, और जिनको ये समस्या लगती ना घर जाके, वो भी इसी समस्या में योगदान दे रहे होते हैं। आई मीन, आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। नहीं हुई अभी? नहीं सर। तो आप इंडिविजुअली ध्यान रखना। हालांकि ये तो सर अभी तो माहौल चेंज हो गया है, पहले तो 8-8, 9-9 बच्चे होते थे सर घरों में, होता था, सब एक ही कमरे में सो रहे हैं, सबको सपने भी सेम ही आते थे, इतना जुड़ जुड़ के सो रहे हैं सब साथ में। क्या करते हैं आप झा साहब? जॉब कर रहा हूँ सर। चलिए, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जब आप शादी करें तो एक या दो ही बच्चे करें, ताकि सब जो है बाकी भगवान के हाथ में। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरी शादी को अभी साल ही हुआ है, तो मैं आपके शोज में देखती हूँ, हस्बैंड्स इतने सरप्राइजेस देते हैं अपनी वाइफ्स को, गिफ्ट्स देते हैं, पैम्पर करते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, इसलिए वो सीरियल है और जिंदगी जिंदगी होती है। हाफ द टाइम जो सीरियल में दिखता है वो असली जिंदगी में होता नहीं है, इसलिए आई कॉल इट सस्पेंशन ऑफ रियलिटी। ये वो रियलिटी जो हम चाहते हैं, जो असली जिंदगी में नहीं मिलता, टीवी पे देख के खुश हो जाओ। आई कांट टॉक टू योर हस्बैंड, या इवन बेटर उससे 2-3 सीरियल दिखा दो, शायद आइडिया आ जाए। सर, मैम वो मूवीज देखते हैं, सीरियल्स नहीं देखते। तो लिपस्टिक दिखा दो। लव मैरिज हुई आपकी? अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। भाई साहब आपके हस्बैंड नहीं है? यस। अच्छा, क्या करते हैं भाई साहब आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इतने हार्ड क्यों हैं आप फिर? आप क्यों नहीं, एक साल शादी को हुआ है, इतनी प्यारी आपकी बीवी है, कभी कभी ऐसे गिफ्ट सरप्राइज दे दिया करो यार, खुशी होती है। देता रहता हूँ वैसे। क्या क्या गिफ्ट दिया अभी लेटेस्ट? कौन सा? अभी मुंबई लेके आया ना। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। नहीं, मुंबई तो दोनों जहाज में बैठ के आए होंगे ना, तो कौन सा आप कंधे पे बिठा के लाए? पर वैसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे छुट्टियां मनाने आए? हाँ जी। क्या क्या घूमा फिर बॉम्बे? शिरडी देखा है। शिरडी तो शिरडी में है। हाँ, शिरडी में ही है। बहुत अच्छी जगह गए आप, साईं बाबा के मंदिर। मुंबई में क्या पसंद आया सबसे ज्यादा? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव क्यों? रोमांटिक। जो दूसरे जोड़े बैठे रहते उनको देख के रोमांटिक लगा के। चलिए, बहुत बहुत प्यारे हैं आप दोनों, शुक्रिया शो में आने के लिए। क्यूट हो भाई, बहुत क्यूट। थैंक यू। और कोई? यस बेटा, आपको क्या सवाल पूछना है इतनी छोटी सी उम्र में? मेरा नाम अर्थ है और मैं बैंकॉक में रहता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपका शो देखने के लिए आया हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू। और मेरे पास आपके लिए और सिद्धू पाजी के लिए छोटा सा गिफ्ट है, सबकी अगर इजाजत हो तो फिर मैं पेश करूँ? अरे कर दे, कर दे। वहाँ पे आके, अरे छोटा सा मंत्री लग रहा है सिद्धू साहब, कपड़े भी ऐसे पहने। यस बेटा, प्लीज कम। अरे बड़ा क्यूटी पाए यार तू तो, देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। अभी बेटा कैसे हो आप? बड़ा क्यूट है यार ये। ए, नहीं, नहीं। तो ये मैं वहां से एक छोटा सा ब्रॉच लेके आया था, तो फिर ये आपके लिए। तो स्वीट, थैंक यू बेटा। और सिद्धू पाजी के लिए भी। अरे वाह बेटा, एक और उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ बताना, बता बता। आपके मुझे शेर बहुत ज्यादा पसंद है। God bless you. पीते रहो, पुश करो। और कोई हमारे दोस्त? ये जो जी,
माय नेम इज सपना. मैं एकता जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी. जी एकता जी, आपके शो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, पर आप नई नई एक्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं, पर एक बात आप बताइए कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि हम सीरियल में आपको कब देखेंगे? थैंक यू. लेकिन मुझे एक्टिंग का ए नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को कभी कास्ट करूंगी. मैं ऑडिशन में ही फेल हो जाऊंगी. और आई थिंक आई एम अ स्मार्ट बिजनेस वूमन. अगर मैं एक्टिंग करूंगी तो सिर्फ मैं और मेरी फैमिली शो देखेंगे. नहीं नहीं, और उसे टीआरपी नहीं आएगी. हम भी देखेंगे. कोशिश करूंगी, पर मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उसके बाद मैं किसी एक्ट्रेस को ये नहीं कह पाऊंगी एक्टिंग कहाँ से सीखी, वो कह सकती है तुमसे. बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? यस ब्रदर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू, बिकॉज आपके वजह से मैंने अपनी एक वाइफ की विश पूरी की. शादी से पहले एक शर्त थी, आप हनीमून जाना पसंद करोगे या कपिल शर्मा के शो में आना पसंद करोगे. तो फिर लो आ गए, आज हनीमून पे नहीं गए. नहीं गए. यार यू हैव केप्ट द बेस्ट फॉर लास्ट पार्ट. पहले सच्ची बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे? कितनी कितनी देर होगी शादी को? 6 महीने. 6 months. बहुत बहुत मुबारक आपको. पर मतलब हनीमून मना के आए हो ना आप? नहीं. ऐसे कैसे? ये तो झूठ है. लोनावला तक नहीं गए. लोनावला तक नहीं गए? कहाँ, मुंबई में रहते हैं आप? हाँ. अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका. जी अच्छा, एक चीज बतानी थी एकता जी को. हमारे पास एक स्टोरी है जिसका नाम शी शाह है, बिकॉज इनका नाम शीतल है और मेरा नाम शाहनवाज है. मराठी मुलगी और मियाँ भाई लड़का, इस तरह की कहानी. 10 साल तक एक्चुअली हमारा अफेयर चला. 7 साल हम अलग थे बिकॉज मैं अब्रॉड गया स्टडीज के लिए. वापस आए तो यहाँ का कल्चर में हिंदू मुस्लिम का काफ़ी टेंशन होता है जी. उसके साथ लड़ते लड़ते सबको समझाते समझाते 6 महीने पहले हमने सबको मना लिया और एक शर्त खाई थी, ना वो घर से भागेगी ना मैं घर से भागूंगा. और अच्छा लगा आप दोनों से मिलके. आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, बड़ा खूबसूरत सा. आपकी नई नई शादी हुई तो आपको गिफ्ट देते हैं. थैंक यू. यार 10 साल पहले ही अलग रहे आप, 6 महीने शादी को हो गए, हनीमून अभी तक गए नहीं. ऐसे मत करो यार. ये एकता, ये खूबसूरत सा मोबाइल है. थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. आई होप बहुत सारे लोग आपकी कहानियां सुने. एंड वी शुड नॉट हैव एनी बिगर रिलीजन देन लव. जी अब आपके हवाले स्टार साथियों, जो भी आप बात करना चाहें, पूछना चाहें फिल्म के बारे में, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं. जी मैम. जी मैं अनिल जी से बात करना चाहती हूँ. जी अर्जुन जी आपके बेटे जैसे हैं और आपकी सारी बातें मानते हैं, तो और उनकी भी शादी की उम्र हो गई है और ये मेरी बेटी है. उनकी भी शादी की उम्र हो गई है. ये मेरी लड़की का नाम डेजी है, वो CS कर रही है. तो आपका फाइनेंशियल भी सब संभाल लेगी, उसको कुकिंग का भी शौक है, तो खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है. तो क्या ख्याल है आपका? मुझे पता नहीं था कपिल ने मैट्रिमनी साइट खोल कर रख दिया. नहीं नहीं मैम, डेजी बहुत खूबसूरत है. ओह थैंक यू. अभी छोकरा जवान हुआ है. इसीलिए तो, इसीलिए. डेजी आपसे मिल लेता हूँ. लेकिन आप शादी किसी अच्छे लड़के से करना, मुझसे मत करना. बहुत ही अच्छा. नहीं मेरी उम्र नहीं हुई ना अभी तक. ऑल द बेस्ट. आप मुझे चाचू के थ्रू क्यों फंसा रही थी वैसे? मेरा जिंदगी में एक उसूल है मैम, सुनो सबकी करो अपनी, वरना पछताओगे. शादी एक ऐसी चीज है तो आपको तभी करनी चाहिए जब आप तैयार हो. मैं अभी वही कह रहा था कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा बेशक शादी करूंगा और आई विल मेक श्योर माई फैमिली इज हैप्पी, पर इस वक्त मैं तैयार नहीं हूँ. आई एम श्योर डेजी डिजर्व्स फार बेटर देन मी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट डेजी. थैंक यू. अच्छा डेजी की मम्मी, डेजी ने क्या किया था इंग्लिश में, कुछ बताया था आपने क्या? CS कर रही है. ओह व्हाट इज दिस? कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी. हाँ. ओके तो उसके मतलब फिर क्या करते हैं उसको करके? उसमें कंपनी में होता है सब. होता है सब.
क्या मतलब होता है? कंपनी संभालनी होती है, कंपनी के लॉज होते हैं, वो सब तो लॉज होते हैं कंपनी के, तो इन लॉज भी कंपनी में बना लो। अच्छा जैसे अनिल सर और अर्जुन फ्रेंड्स लगते हैं, डिजी की मम्मी यू आर सो प्रेटी, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? सूरत। बोथ आर वेरी गुड सूरत। गुजरात के लोग तो मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना कसम से। आपके सूरत में वो होता है ना, वो जो हर सैटरडे में वो जो बाहर सब लोग आ जाते हैं, सड़क पे बैठती सारी फैमिली चादर बिछा के पिकनिक मनाते हैं, सैटरडे नाइट। सैटरडे नाइट वो सब सड़क पे क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? ऐसा ही हम सुरती पास ऐसा ही है, खाओ पियो ऐश करो। तो उधर तो खाते पीते, तो ऐश किधर करते? पर बहुत प्यारे, एक्चुअली हमारा हिंदुस्तान है ही ऐसा गुलदस्ता, एक तरह तरह के फूल हैं। आप सूरत से आए, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त मेहमान? यस। अरे पगली कहाँ थी इतनी देर? हेलो अर्जुन सर, मेरा नाम प्रेरणा है, मैं दिल्ली से हूँ। हाय प्रेरणा। हाय। एक्चुअली मैंने आपकी मूवी देखी थी कियन का जी, और मैं आपके कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। लाइक मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा लड़का मिले जो यू नो मुझे बहुत सपोर्ट करे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नहीं, वो कैरेक्टर ही था। पर ऐसे होने चाहिए बिल्कुल। जी जी, आप सवाल पूछिए। एक्चुअली राइट, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा हस्बैंड कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? यार मुझे पता होता तो अपने लिए पत्नी वैसी ढूंढ लेता जो परफेक्ट हो। जिंदगी में परफेक्ट कुछ नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। प्रेरणा मैं दुआ करता हूँ कि आपको एक अच्छा पति मिले जो आपको सपोर्ट करे। जो फिल्म में कबीर का किरदार था वो पूरा ही चाहता है कि वो घर संभाले, घर बनाए, घर की देखभाल करे। शायद आपको वैसा एग्जैक्टली पति ना मिले, पर अगर वो आपको समझ सके और आपका हाथ बटा सके और साथ में आपको अपनी जिंदगी अच्छी तरह निभाने का मौका दे, तो आई थिंक दैट इज द करेक्ट बैलेंस जो आपको चाहिए जिंदगी में, एंड आई होप यू फाइंड दैट। थैंक यू सो मच। प्रेरणा जैसे कियन का में अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट से आपका मतलब वाकई सपोर्ट है कि जो जब ये खाना वाना बनाते हैं वैसा वाला वो सब? सर खाना वाना भी चलेगा, मतलब वो तो होना ही चाहिए ना सर। नहीं आप उनको कुक चाहिए था, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे। अरे मोहतरमा चाहती क्या हो तुम? सिद्धू भाजी देख लो बहुत सपोर्ट करते हैं भाभी को, घर ही नहीं जाते। बात बता दूं, ये जो बिना सवाल किए हुए कोई पत्नी और रोटियां बनाने वाला पति और भूत प्रेत, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रेरणा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।